नमस्कार, समाचार बुलेटिन खंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर आंदोलनरत बुंदेलखंड क्रांति दल ने आज भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा के आवास के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। ढोलक और मजीरे के साथ बुंदेलखंड राज्य की मांगों को लेकर गीत गाए। इसके अलावा जय जय बुंदेलखंड के नारे लगाए। बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में दिए गए धरने तथा प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। इस दौरान बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि आज सांसद निवास के बाहर इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। साल से ज्यादा हो गया सांसद बने हुए, आज तक उन्होंने कभी लोकसभा में बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा नहीं उठाया। हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि जो जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो सदन में मांग उठाएंगे तो ज्यादा प्रभावी होगी। तो हम वैसे हर माह प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजते हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, लेकिन इस महीने पूरे बुंदेलखंड में जहां सांसद हैं उपलब्ध, वहां जहां विधायक उपलब्ध हैं वहां उनके माध्यम से हम लोग ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ में हम सांसद और विधायक से आग्रह कर रहे हैं कि आपको बुंदेलखंड की जनता ने चुना है, बुंदेलखंड राज्य बनाया जाना जरूरी है, इसलिए इस मांग को आप सदन में उठाएं। हमने जी जी दरअसल हम यहां आग्रह करने आए, हम सांसद जी का कोई विरोध करने नहीं आए, इसलिए हमने ढोल मंजीरा बजा के उनसे आग्रह किया, यहाँ गा के उनसे आग्रह किया। हमने उनके स्टाफ को बता दिया था, जो स्टाफ है उनका मनीष और अतुल, आज हमारा कार्यक्रम है। बताया गया सांसद जी ललितपुर चले गए, लेकिन ये बहुत अच्छा मुद्दा था, वो यहाँ रहते और हमें आश्वासन देते कि हम इस विषय को संसद में उठाएंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि हम जो ज्ञापन दे के जाएंगे तो वो इस विषय को संसद में उठाएंगे, वरना आने वाले संसद के सत्र में जब वो इस विषय को नहीं उठाएंगे तो हम फिर यहाँ बैठेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि सांसद जी ये मुद्दा आप क्यों नहीं उठा रहे, इस मुद्दे को आपके पिताजी बुंदेलखंड एकीकृत लिखा है, पीछे उनके बोर्ड पे लिखा है, संस्थापक थे वो, तो बुंदेलखंड के एकीकरण के लिए, बुंदेलखंड राज्य के लिए उनके पिताजी लगातार सतत प्रयासशील रहे, तो सांसद जी को अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उठाना चाहिए।